Hello everyone, welcome to Canadian Desi Chef. Today we are making kathal burger. Recipe शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कटहल पैटीज बनाना. यहाँ पे मैंने प्री पोर्शन कर रखा है इंग्रेडिएंट्स को, तो मेजरमेंट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी के अंडर मिल जाएंगे. काजू को हम सोक करके रख लेंगे हाफ एन आवर के लिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमको इसके लिए. ये है कुक्ड कटहल और ये कैन वाला यूज़ किया मैंने. एक मसलिन क्लॉथ ले लेंगे, उसके ऊपर फिर हम अपने कटहल के पीसेस को प्लेस कर देंगे. फिर सबको बीच में लाते हुए चारों तरफ से मसलिन क्लॉथ को पकड़ लेंगे और उसके अंदर से जितना हो सके उतना वाटर स्क्वीज कर लेंगे. जितना हो सकता है हम उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे. आपको हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, अगर आप रॉ कटहल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम ही करना पड़े. एक बोल में एग को क्रैक कर ले, फिर उसके बाद उसको बीट करना शुरू करें. इसके बाद हम अपना चॉपिंग का प्रेप करना शुरू करेंगे. फाइन डाइस जिंजर, फाइन डाइस गार्लिक और जितना फाइन हो सके उतना कटहल को हम फाइन अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे. अब कटहल के अंदर यहाँ पर मैं जो है वो कैंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इजीली अवेलेबल है, हम लोगों को यहाँ पर आसानी से मिलता नहीं है. बट अगर आप इंडिया में हैं और आपको रॉ मिल जाता है रॉ कटहल, तो प्लीज़ आप वही यूज़ करिए जो सॉफ्ट है. और उसको फिर कुकर में सीटी लगा दीजिए छोटे टुकड़े काट कर. एक सीटी लगा लीजिए आधे आधे कप पानी के साथ और थोड़ा नमक के साथ. बस ये देख लीजिएगा कि अगर कोई हार्ड पार्ट हो तो प्लीज आप उसको डिस्कार्ड कर दें. आप लोग वहीं से आपको छिला हुआ भी मिल जाता है तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए. अब कैश्यूज को हम रफली चॉप कर लेंगे पेस्ट बनाने के लिए. उसको मिक्सर में डाल लेंगे. थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी बहुत ध्यान से समझदारी से ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना वरना पिसेगा नहीं अच्छे से. फिर हम अपने कटहल के मिक्सचर में कॉर्न स्टार्च ऐड कर लेंगे, राइस फ्लावर, जिंजर, गार्लिक, बीटन एग, कैश्यू पेस्ट ऐड कर लेंगे इसमें, देसी घी, पीली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस और सॉल्ट. सॉल्ट मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है, आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं सीजनिंग अकॉर्डिंगली. सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको पोर्शन कर लेंगे. चार से पांच पोर्शन इतने में मेरे निकल जाएंगे, तो मैंने एक पोर्शन ले लिया है और उसको टाइट करके गोल गोल घुमाकर अच्छे से टाइट कर लिया है और फर्म शेप उसको दे दिया है. अब उसको फ्लैटन कर लूँगी. फिर हम इस पर अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे. ब्रेड क्रम हमें बहुत अच्छे से लगाना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, चारों तरफ से अच्छे से हो जाए. सारे बनने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए. एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डालिए. मैंने थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल लिया है यहाँ पे, मैं चाहती तो शैलो फ्राई कर सकती थी. और अब मैंने अपनी पैटी रख ली है. अच्छा ब्राइट येलो बन के तैयार होगा हमारा. गोल्डन होने तक हम पकाएंगे एक साइड से, फिर फ्लिप कर देंगे. देखिए कितना अच्छा कलर आया है. और अब ये फिनिश्ड पैटी को हम निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे. अब आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो असेंबल कर लीजिए बर्गर की तरह, या फिर आप इसको एज अ कटलेट भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं. प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.